मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए संजय कुमार स्वामी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस घंटे को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल संजय कुमार स्वामी के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो को आप पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो के अंदर एनिमेशन से रिलेटेड मैं बहुत सारे आपको पॉइंट्स बताऊंगा। अगर ये वीडियो आप नहीं देखेंगे या बीच में छोड़ देंगे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट जाएगी। तो इस वीडियो को आप एक बार पूरा देखें और देखिए किस तरह से मैं यूज में लेऊंगा यहाँ पर एनिमेशन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था टाइमलाइन एनिमेशन, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, टाइमलाइन एनिमेशन जो ऑप्शंस थे वो यहाँ पर मेन एनिमेशन पार्ट नहीं है। आज के इस वीडियो के अंदर हम मेन एनिमेशन पार्ट जो है वो ग्राफ एडिटर सीखेंगे। अगर आपने आफ्टर इफेक्ट पहले से सीखा हुआ है, पहले से आफ्टर इफेक्ट आपने देखा है, तो उसके अंदर जब हम एनिमेशन करते हैं तो एक टाइमलाइन के ऊपर एनिमेशन करते हैं, एक वहां पर भी ग्राफ एडिटर मोड के अंदर जाते हैं, जहां ग्राफ के अंदर हम जा करके कर्व वगैरह होते हैं उनको एडजस्ट करके एनिमेशन करते हैं। तो यहां पर कुछ वैसा ही ग्राफ एडिटर है, लेकिन ऑप्शन वहां जो आफ्टर इफेक्ट के अंदर थे उनसे कई ज्यादा है, बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं और सभी के सभी ऑप्शंस यूजफुल हैं, हमारे काम को आसान करने वाले हैं, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं ये कैसे बनाई है, ये बॉल जो बनाई है मैंने और ये जो इन्वायरमेंट बनाया है, इस वीडियो के लास्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा क्योंकि ये हमारा मेन पार्ट नहीं है। लेकिन कैसे आप इसको बना सकते हैं इस वीडियो के लास्ट में आपको चला करके बता दूंगा, रिकॉर्डिंग्स की मेरे पास में है। तो अब देखिए हम यहाँ पर एनिमेशन देखेंगे, नीचे यहाँ पर ये टाइमलाइन है, और टाइमलाइन अगर नहीं है तो आप स्प्लिट करके विंडो को टाइमलाइन लेके आ सकते हैं। टाइमलाइन के ऊपर तो हम इस तरह से बनाते ही हैं, जैसे कि मान लीजिए एक यहाँ पर एनिमेशन की फ्रेम मुझे बनाना है, तो की फ्रेम बनाने का एक और अच्छा तरीका मैं आज आपको बता दूं। देखिए यहाँ पर जैसे प्रॉपर्टीज है, एक्स वाई जेड जो प्रॉपर्टीज है, इनका की फ्रेम आपको बनाना है तो इनके ऊपर राइट क्लिक करें, इंसर्ट की फ्रेम नाम से यहाँ पर ऑप्शन है, इंसर्ट सिंगल की फ्रेम से। जैसे कि आपने वाई के ऊपर क्लिक किया है, सिर्फ वाई के लिए सिंगल की फ्रेम आएगा, और जिस प्रॉपर्टी के ऊपर की फ्रेम आएगा यहाँ पर आपको येलो रंग नजर आ रहा है। अगर आप इंसर्ट की फ्रेम करेंगे तो सभी के अंदर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर दूसरा तरीका भी है, बहुत अच्छा तरीका है, कि इनके ऊपर आने के बाद में अगर आप आई दबा देंगे तो भी की फ्रेम इंसर्ट हो जाएंगे, देखिए सभी के सभी येलो हो गए, कीबोर्ड से आई दबाना है। और अगर आप इस 3D व्यू के अंदर कहीं पर भी रहेंगे और आई दबा देंगे तो आपको इंसर्ट की फ्रेम मेन्यू मिल जाएगा, खूब सारा इसके अंदर ऑप्शन है कि लोकेशन रोटेशन स्केली कौन से आप की फ्रेम ऐड करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर देता हूँ लोकेशन वाला, लेकिन की फ्रेम ऐड करने से पहले इस बॉल को मैं यहाँ पर लेकर के जा रहा हूँ, यहाँ लेकर के आ गया, और मैं आई दबा करके अब लोकेशन का की फ्रेम यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसकी लोकेशन चेंज करूंगा, इसको इस जगह लेकर के आ गया, वापस आई दबाऊंगा और लोकेशन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। देखिए नीचे की साइड में यहाँ पर की फ्रेम आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस टाइम लाइन को तो हटा रहा हूँ यहाँ से, आप टाइम लाइन चाहें तो साइड में भी रख सकते हैं, लेकिन देखिए मैं यहाँ पर एन और टी दबा करके इन प्रॉपर्टीज को हटा देता हूँ, और एक साइड में यहाँ टाइमलाइन मान लीजिए अगर आपकी इच्छा है तो रख लेते हैं, इस जगह पर मैं ये नीचे टाइमलाइन जो है वो यहाँ आ जाएगी। ये देखिए दोनों की फ्रेम आ गए, आप यहाँ पर टाइमलाइन को यूज में ले सकते हैं। लेकिन नीचे की साइड में जो टाइम वाली लाइन वाली जगह है यहाँ पर मैं लेके आ रहा हूँ ग्राफ एडिटर। ये है ग्राफ एडिटर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप ये जो विंडो है एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं ऑलरेडी मैंने बताया, और आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं कहीं पर भी रख के। अब मैं क्या करूंगा, इस ग्राफ एडिटर के अंदर आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये कहीं पर भी लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं तो आपको ग्रीन कलर के अंदर एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है, आप इधर उधर जैसे जा रहे हैं। ये कर्सर है यहाँ पर, ये 2D कर्सर है, 3D कर्सर नहीं, जैसे यहाँ पर ये 3D कर्सर है उसी तरह से यहाँ पर ये 2D कर्सर है। इस कर्सर को आप इस तरह से कहीं पर भी लेकर के जा सकते हैं, और इस कर्सर के पास में यहाँ पर जो 0 लिखा हुआ आ रहा है वो यहाँ पर फ्रेम है, 0 नंबर 3 4 5 है, इस तरह से फ्रेम है। और उसके बाद में लेफ्ट साइड के अंदर जो आएंगे वो चैनल का पैनल है, यानी रीजन है, इसके अंदर रीजन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको एक्स लोकेशन वाई लोकेशन ये सब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टीज को एनिमेट करना चाहते हैं वो मिलेंगे। जैसे हमने अभी की फ्रेम बनाए थे तो यहाँ पर क्या किया था, ये लोकेशन एक्स वाई जेड के ऊपर की फ्रेम बनाए थे तो वो यहाँ पर
की फ्रेम वाली प्रॉपर्टी नजर आ रही है। अच्छा यहाँ पर जिस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे आपने बॉल को राइट क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट किया तब ये दिख रहा है, अगर बॉल को नहीं नीचे वाले इस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कोई की फ्रेम नजर नहीं आएगा ग्राफ एडिटर के अंदर, क्योंकि जिस पार्ट को हम सिलेक्ट करेंगे तभी आएंगे। लेकिन इसके अंदर एक तरीका है इस काम को यूज लेने के लिए, यहाँ पर एक पिन है, अगर आप पिन करके छोड़ देंगे फिर दूसरे पार्ट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर नजर आ जाएगा, ये पिन करेंगे तब, अगर अदरवाइज नहीं नजर आएंगे, पिन करके रख सकते हैं उन प्रॉपर्टीज को। उसके बाद में नीचे की साइड में आप चलेंगे तो यहाँ पर ये हेडर है, हेडर के अंदर खूब सारे यहाँ पर ऑप्शंस हैं, और राइट साइड के अंदर यहाँ पर प्लस का आइकन है, जैसे इस प्लस के आइकन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको तीन यहाँ पर टैब मिलेगी, एफ कर से रिलेटेड, मॉडिफायर और व्यू से रिलेटेड तीन टैब मिलेंगे, जिनके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। एन दबा करके इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर लेके आ सकते हैं, जैसे इसके अंदर लेके आते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के अंदर जो ऑप्शन है वो अलग है, दोनों 3D व्यू वाली और यहाँ पर जो ग्राफ एडिटर वाली है। इसको जूम करने के लिए आप माउस का जो व्हील बटन है उसको घुमाइए, इस तरह से आप जूम कर सकते हैं, कहीं पर भी इधर उधर ले सकते हैं, बहुत ज्यादा इजी और आसान तरीके से है। और इसके अलावा अगर आप बीच वाला बटन घुमाएंगे नहीं, दबाएंगे, दबा करके इधर उधर लेंगे तो आप इस तरह से इनको ले सकते हैं, घुमा करके जूम इन आउट कर सकते हैं और दबा करके इधर उधर इस तरह से ऊपर नीचे ले सकते हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है, ये अब यहाँ पर चला गया आपको और सीधा एक जगह लेकर आना सेंटर में मान लीजिए, तो आप होम बटन दबाएंगे, कीबोर्ड के ऊपर जो होम लिखा हुआ बटन है उसके ऊपर जैसे दबाएंगे तो यहाँ पर ये ग्राफ्स वगैरह है जो एकदम पूरी यहाँ पर फिट आ जाएंगे, जितने आपने स्क्रीन इसकी दे रखी है ग्राफ एडिटर की, तो इसके अंदर फिट आ जाएंगे। इसके अलावा कई बार क्या होता है, मान लीजिए कुछ प्रॉपर्टीज आप ऐड करते हैं और करते हैं तो जैसे हम आगे करेंगे तो उसके लिए नॉर्मलाइज ऑप्शन है, जैसे कि ज्यादा ऊपर चला जाता है और हो जाता है, तो उसके लिए आप नॉर्मलाइज ऑन ऑफ करेंगे तो उसके लिए आफ्टर इफेक्ट के अंदर भी ऑप्शन था नॉर्मलाइज करने के लिए, तो इससे आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं। वापस मैं होम की दबा देता हूँ। अब यहाँ पर जो की फ्रेम्स है, जैसे इसके ऊपर राइट क्लिक किया, ये की फ्रेम है और इसके दोनों साइड में ये हैंडल है, फोटोशॉप आफ्टर इफेक्ट इलस्ट्रेटर सब के अंदर और प्रीमियर प्रो के अंदर सबके अंदर ये हैंडल इस तरह से होते ही हैं, तो ये की फ्रेम है और इस की फ्रेम के दोनों साइड में ये हैंडल है, इनको आप पकड़ के इस साइड में इधर उधर ले सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जैसे जैसे हम इस साइड में जाएंगे, दो लाइनें दिख रही है आपको जो एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल ग्रीन कलर के अंदर, तो अब आप लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे बढ़ेंगे तो आपका टाइम बढ़ रहा है, यानी कि फ्रेम इस साइड के अंदर बढ़ते जाएंगे, इस साइड के अंदर आपके फ्रेम बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आप ऊपर की साइड में जाएंगे, जैसे ये की फ्रेम है, इस की फ्रेम को मैं आगे की साइड में यहाँ पर पकड़ के यहाँ ले लूँ, राइट क्लिक करने के बाद में पकड़ेंगे, राइट क्लिक करें इसके ऊपर और फिर खींचें ड्रैग करें, तो आगे की साइड में टाइम आगे बढ़ रहा है, यानी कि मान लीजिए 10 फ्रेम इसको आगे ले जाना है, 20 फ्रेम आगे ले जाना है, तो इस तरह से इसको आगे लेके जा सकते हैं और फिर लेफ्ट क्लिक से आप छोड़ेंगे तो वहीं पर रह जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसको ऊपर लेंगे तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, फॉर एग्जाम्पल ये कलर से आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक्स का कलर लाल है, वाई का ग्रीन है और जेड का ब्लू है, तो तीनों कलर के ही आपको यहाँ पर मिलेंगे, जैसे कि ये लाल वाला जो है वो एक्स के लिए है और वाई वाले के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अभी हाईलाइट हो गया, इसका मतलब वाई वाले को आप इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, और इसके अलावा जेड वाले के ऊपर लेफ्ट क्लिक करके इनके ऊपर इस तरह से सिलेक्ट करके कर सकते हैं, तो यहाँ से भी आप एनिमेशन कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल अभी जेड वाले की कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर हमने एनिमेट नहीं किया, तो मैं यहाँ पर जेड वाले को कर रहा हूँ, अब इस जेड को मान लीजिए ऊपर ले रहा हूँ, यहाँ पर जैसे ऊपर लूंगा तो वो जेड वहां पर देखिए ऊपर जा रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, देखिए जेड की प्रॉपर्टी ऊपर जा रही है। अच्छा इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ से अगर आप पकड़ करके इस जेड को ऊपर की साइड में लेंगे, जैसे ही आप ऊपर लेंगे और उसके बाद में आई दबा करके यहाँ पर इसके ऊपर जाएं, आई और अवेलेबल का मतलब क्या हुआ, जो अभी की फ्रेम यहाँ पर अवेलेबल हो सकता है, जैसे रोटेशन प्रॉपर्टी चेंज की है, लोकेशन प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी आपने चेंज की है उसका की फ्रेम बन जाएगा, तो मैं अवेलेबल करता हूँ या लोकेशन एक ही बात है, तो ये कर देंगे तो यहाँ पर जेड का ये की फ्रेम बन जाएगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर। अब तो यहाँ पर देखिए आप इस तरह से ऊपर नीचे और भी इस तरह से कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो वैल्यू चेंज होगी, आगे लेके जाएंगे तो टाइम चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर जिस ग्राफ के ऊपर वर्क कर रहे हैं, जैसे कि आप जेड ग्राफ को आपने सिलेक्ट कर रखा है, इसके ऊपर आप वर्क कर रहे हैं, बाकी आपको हल्के हल्के कलर के अंदर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे इस रेड वाले की फ्रेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें इस तरह से दिखाई देगा, ये दिखाई देगा। अगर आप चाहते हैं इन सभी को देखना तो शिफ्ट के साथ में इन सबको इस तरह से सिलेक्ट कर लें, जैसे आप सिलेक्ट करेंगे
यहाँ से चैनल्स को, तब सभी के सभी एक्टिव दिखाई देंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो हमने 3D व्यू वाले के अंदर कई ऑप्शन देखे थे सिलेक्ट करने के, फॉर एग्जांपल कंट्रोल के साथ में दबाया इस तरह से की फ्रेम को सिलेक्ट कर सकते हैं, वहां पर जैसे कंट्रोल के साथ में इस तरह से इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, ए दबा करके जैसे वहां पर हम सबको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर भी ए दबा करके इस तरह से सभी सिलेक्ट की फ्रेम को सिलेक्ट कर सकते हैं, सी दबा करके आप इस तरह से जैसे करते हैं, या फिर बी दबा करके बॉक्स से इस तरह से सिलेक्शन करते हैं तो वो आप कर सकते हैं। जैसे बी दबाया ये बॉक्स सिलेक्शन से इस तरह से हो गया। इसके अलावा मान लीजिए आपने बी दबा करके कई सारे की फ्रेम इस तरह से सिलेक्ट कर लिए और आप जी दबा करके इन सब को इधर उधर लेके जा सकते हैं। वहां पर जैसे जी दबा करके इस ऑब्जेक्ट को इधर उधर लेके जा रहे हैं वैसे ही यहाँ पर इनको लेके जा सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए एस दबा करके आप इनको स्केल कर सकते हैं, इनकी वैल्यू इस तरह से सारी की सारी स्केल हो जाएगी। अच्छा एक्स दबाएंगे तो एक्स के ऊपर होगी और वाई दबाएंगे तो इस तरह से वाई के ऊपर, तो आप इनकी कर सकते हैं, जेड के ऊपर नहीं होगी, एक्स के ऊपर होगी इस तरह से, यानी कि एक्स के ऊपर करेंगे तो फ्रेम की आगे पीछे जाएगी और वाई दबाएंगे तो ऊपर नीचे होगी, यानी कि वैल्यू चेंज होगी, तो वो कर सकते हैं। रोटेशन कर सकते हैं इन सबको, आर दबा करके इस तरह से स्केल करके इनको रोटेशन कर सकते हैं, और सिलेक्शन के इन सब के अब जो मेन जो वहां पर थे वैसे के वैसे ही यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। जैसे कि व्यू के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, व्यू ऑल के लिए होम की दबाएं, व्यू सिलेक्टेड के लिए डॉट दबाएं यहाँ से, तो जो सिलेक्टेड है उतना पार्ट यहाँ पर दिखाई देगा, जैसे मैंने होम बताया था आपको, व्यू ऑल के लिए यहाँ से होम बटन दबा करके देख सकते हैं। ये सब ऑप्शन सिर्फ देखने के लिए ही है। अल्ट के साथ में F10 दबाएंगे तो पूरी विंडो के अंदर आपको इस तरह से दिखाई देगा, अल्ट के साथ में F10 आप वापस दबा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर व्यू के अंदर खूब सारे जो ऑप्शंस है सिर्फ देखने से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल अगर ये हैंडल आप नहीं देखना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन है शो हैंडल्स, कंट्रोल एच इसका शॉर्टकट है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हैंडल गायब हो जाएंगे, कंट्रोल एच से आप इन हैंडल्स को लेके आ सकते हैं, बाई चांस कभी चले जाए तो इस तरह से लेके आ सकते हैं। तो सभी इस तरह के ऑप्शन है। जैसे टाइम लाइन के अंदर हमने देखा था सेकंड देखना चाहते हैं तो कंट्रोल टी दबा करके आप सेकंड दे सकते हैं। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पी वाला कि आप प्रीव्यू जो है वो इसको सेट कर सकते हैं क्लियर करने के लिए एल्ट पी। प्रीव्यू मतलब किस पार्ट को आप देखना चाहते हैं सिर्फ चलाएंगे तब, जैसे अल्ट के साथ मैं ए दबा रहा हूँ और प्ले कर रहा हूँ तो ये इतना चल रहा है, लेकिन ये चलते हुए टाइम मार्कर आगे चला गया, मुझे क्या करना है पी दबा करके यहाँ पर इतना पार्ट देखना है, तो इतना मैंने सेलेक्ट कर लिया, अल्ट के साथ में ए दबाऊंगा तो ये बार बार इतना लूप होता रहेगा, वापस अल्ट के साथ में ए दबा करके मैं रोक देता हूँ और पी दबा करके आप इस पार्ट को कम ज्यादा इस तरह से कर सकते हैं, और अल्ट के साथ में पी दबाएंगे तो ये पार्ट हट जाएगा वापस। तो मैं पी दबा करके यहाँ रख लेता हूँ, बार बार मुझे जब यहाँ पर इसको प्ले करने की जरूरत होगी तो ये कुछ इसी तरह से चलेगा। व्यू के बाद में आप इन प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं, एन इस प्रॉपर्टी के लिए है, यहाँ पर व्यू के बाद में सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के लिए भी खूब सारे वही ऑप्शन है जैसे बॉर्डर सेलेक्ट, सर्किल सेलेक्ट, इसके बाद में इनवर्ट सिलेक्शन, यानी मान लीजिए जो की फ्रेम मान लीजिए आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखे हैं, मैं इतने की फ्रेम सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर इन्वर्ट करेंगे तो पूरे के पूरे उल्टे सेलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा उसके बाद में सेलेक्ट ऑल से, ये सभी के सभी करीब करीब वही शॉर्टकट वही ऑप्शन है, आफ्टर करंट फ्रेम और बिफोर करंट फ्रेम आप जाएंगे, मान लीजिए करंट फ्रेम कौन सा आपने सेलेक्ट कर रखा है, ये सेलेक्ट कर रखा है तो आफ्टर करंट फ्रेम, तो इस करंट फ्रेम के बाद वाले जो फ्रेम होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पर की फ्रेम होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे, बिफोर करेंगे तो यहाँ पर बिफोर वाले इससे पहले वाले जो की फ्रेम होंगे वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर प्लस माइनस दबा करके आप कंट्रोल के साथ में प्लस माइनस दबा करके मोर और लेस सिलेक्ट कर सकते हैं, मान लीजिए एक आपने सिलेक्ट कर रखा है, कंट्रोल के साथ में प्लस दबाया इस तरह से, और आगे खूब सारे की फ्रेम अगर हैं तो उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये सिलेक्शन से रिलेटेड ऑप्शन है। उसके बाद में आगे बात करते हैं मार्कर, सिंपल है, कहीं पर भी आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मार्कर ऐड कर सकते हैं, डिलीट मॉडिफाई रीनेम कर सकते हैं, लास्ट वीडियो के अंदर जैसे टाइमलाइन के अंदर हमने यूज लिया था वैसे हम लेंगे, और यहाँ पर ये सब ऑप्शंस आपको तब याद होंगे जब इनकी प्रैक्टिस करेंगे आप वीडियो देखने के बाद में, अदरवाइज ये वीडियो आपको फास्ट भी लगेगा और याद भी नहीं रहेंगे, आप सोचेंगे फास्ट था लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको यही वीडियो स्लो लगेगा। एक बार साथ में देखें फिर दूसरी बार प्रैक्टिस करें फिर तीसरी बार फिर ये वीडियो देखेंगे ना तीसरी बार तब ये ऐसे लगेगा कि बहुत ज्यादा स्लो है ये वीडियो। तो ऐसी कमेंट आपकी आई थी कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ, फास्ट नहीं बोल रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करेंगे देखने के बाद में तब ज्यादा आपको आसान लगेगा, नहीं तो कितना भी धीरे बोलूं आप रट के काम ना करें, प्लीज आप प्रैक्टिस करके सीखें। उसके बाद में यहाँ पर चैनल, चैनल जो यहाँ इस साइड में आपको नजर आ रहा है इससे रिलेटेड ऑप्शन है, चैनल के ऊपर जाएंगे तो ऑप्शन है डिलीट चैनल, ग्रुप चैनल, अनग्रुप चैनल, मान लीजिए आप एक्स और वाई को सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी दबा देंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पर ग्रुप, ग्रुप का नाम दे सकते हैं, इसे दो को सिलेक्ट किया कंट्रोल जी दबाया यहाँ पर नाम दे दीजिए ये बन गया यहाँ पर ग्रुप, सिलेक्ट करें और चैनल के अंदर जाएं यहाँ से आप अनग्रुप कर सकते हैं, अल्ट जी इसका शॉर्टकट है। तो सिंपल सिंपल सी चीजें, मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी को यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं, एक्स को डिलीट, जेड को डिलीट करना चाहते हैं, सिलेक्ट करें एक्स दबाएं कीबोर्ड से डिलीट, एक्स दबाएं डिलीट,
इस तरह से यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ एक्स रह गए, वाई और जेड हमने डिलीट कर दिया, तो इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। हम यहाँ पर आकर देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए येलो सिर्फ एक ही लोकेशन के ऊपर आ रहा है एक्स के ऊपर, बाकी की फ्रेम यहाँ पर है ही नहीं। तो ये इन चैनल से रिलेटेड ऑप्शन है, किस तरह से आप इनको यूज में ले सकते हैं। अच्छा, इनके अंदर मैं एक और बात आपको बताऊं, यहाँ पर सामने जो ऑप्शन है एक स्पीकर जैसा आइकन है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर क्या करेगा, जो आप एनिमेशन, अब देखिए कुछ भी नहीं चल रहा है यहाँ पर, यानी कि जो चलता है उसके अंदर इसका कंट्रीब्यूट ये दिखाना चाहिए, नहीं अभी ये चल रहा है। अगर आप इसे स्पीकर को ऑफ कर देंगे यानी कि ये चलेगा नहीं, यहाँ पर दिखाएगा नहीं, प्रॉपर्टी वैसी रहेगी और हाईलाइट भी नहीं रहेगा और कलर भी इसका ग्रे हो जाएगा। इसके अलावा सामने एक लॉक आइकन है, लॉक दबा देंगे तो बाद में उसे मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, एक तरह से लॉक करके आप रख सकते हैं। और इससे पहले एक आइकन है यानी कि एफ कर मॉडिफायर आर डिसेबल्ड, यानी कि इसके अंदर अगर कोई मॉडिफायर आपने यूज किया तो उसे आप डिसेबल कर सकते हैं। मॉडिफायर आपको इस साइड के अंदर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ ऑप्शन मिलेगा मॉडिफायर का, मॉडिफायर के अंदर आप करके आ सकते हैं सीधा ही आपके पास में, इतने इसके साथ में ऑप्शन है। कई बार तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि आफ्टर इफेक्ट 2 GB से भी ज्यादा का सॉफ्टवेयर है, इतने ज्यादा स्पेस हमारे कंप्यूटर के अंदर बना के रखेगा। और ये जो ब्लेंडर है ये 100 MB के आसपास तो डाउनलोड हो जाता है, 300-400 MB के अंदर एक्सट्रैक्ट होने के साथ में इसकी सारी फाइलें इतनी है, और इसके अंदर ऑप्शन उससे 3-4 गुना ज्यादा है, कितने न कितने इसके अंदर सारे ऑप्शन है। तो ये सब मतलब बैकग्राउंड कोडिंग मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो इतना ये जानता हूँ एज ए यूजर कि इससे मेरे कंप्यूटर के अंदर स्पेस कम जा रहा है और ऑप्शन मुझे इसके अंदर ज्यादा मिल रहे हैं। हाँ, सीखने के अंदर ये थोड़ा सा हार्ड है, वो जो ज्यादा सिंपल है सीखने के हिसाब से, लेकिन सीखने के बाद में ऑप्शन इसके अंदर ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पर मॉडिफायर है, इनको कैसे यूज में ले सकते हैं, की फ्रेम को जैसे कि आप साइकिल सिलेक्ट करते हैं, जैसे साइकिल सिलेक्ट करेंगे कुछ आपने जो यहाँ पर बीच में ये जो की फ्रेम इस तरह से बनाया था, सभी के सभी की फ्रेम इसी तरह से रिपीट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा बना लेता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से मैंने बनाया, ये बनाया, अब ये रिपीट हो जाएगा यहाँ पर, एड मॉडिफायर यहाँ पर साइकिल्स के अंदर जाए तो जो आपने बीच में यहाँ पर पार्ट बनाया था वही वही रिपीट होता जाएगा, और लेफ्ट और राइट साइड के अंदर जितनी दूर में आपको लेना है आप यूज ले सकते हैं, ये रिपीट होता जाएगा इसी तरह से। और बिफोर आफ्टर आप कितना रखना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ से नहीं रखना है, 0 से स्टार्ट करना है तो आप 0 कर सकते हैं यहाँ पर, माइनस के अंदर आप अगर इसको करेंगे तो वहीं से स्टार्ट होगा, लेकिन आप इसको अगर 0 कर देंगे तो पीछे अनलिमिटेड ये चला जाएगा। तो यहाँ पर बिफोर आफ्टर आप इसकी सेट कर सकते हैं कहाँ तक आपको चाहिए, इसी तरह से यूज में ले सकते हैं। मैं 0 कर देता हूँ वापस, और यहाँ पर कई सारे और ऑप्शन है आप इनको यूज में ले सकते हैं, रिपीट मोशन, ऑफसेट, मिरर्ड, ये खूब सारे ऑप्शन है। जैसे रिपीट मिरर्ड करेंगे तो यहाँ पर ये जस्ट उल्टा यहाँ पर रिपीट हो जाएगा, नेक्स्ट वाला जो है यहाँ पर जो 3 keyframe बनाए उनका जो नेक्स्ट जो बनेगा उसका उल्टा बनेगा, मिरर पार्ट बन जाएगा। नो साइकिल करेंगे तो साइकिल नहीं रहेगा, बिफोर वाला आफ्टर वाला नहीं रहेगा, बिफोर वाला करेंगे सिर्फ बिफोर वाला रहेगा, इसी तरह से नो साइकिल इस साइड वाला कर देंगे तो ये नहीं रहेगा, और रिपीट विथ ऑफसेट यहाँ पर नीचे की साइड में चला जाएगा, ऑफसेट हो जाएगा। तो ये सब ऑप्शन आप यहाँ पर यूज लेकर के देख सकते हैं, और यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, वापस हटा सकते हैं। इसी तरह के यहाँ पर कई सारे मॉडिफायर है, जैसे नॉइस, जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर इसके अंदर थोड़ी थोड़ी नॉइस आ जाएगी, देखिए इसको मैं बढ़ा देता हूँ इसकी, अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे बढ़ाऊंगा, अब इसका फायदा क्या होगा, कई बार अगर ऐसी जरूरत पड़े, मैं अल्ट के साथ में ए दबा करके इसको, तो कोई ऐसी चीज हो जिसको बार बार इस तरह से ये जो लाइन आ रही है उस तरह से आपको एनिमेट करना हो तब उसके लिए काम का है। तो ये मॉडिफायर आप इनको यूज में ले सकते हैं, और स्पेशली कभी ऐसे एग्जांपल के साथ में अगर वीडियो बनाऊंगा मैं तो इनको अलग एग्जांपल के साथ में भी आपको बता दूंगा। तो ये सब यहाँ पर मॉडिफायर है। उसके बाद में आगे नीचे चलते हैं, चैनल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर एक हाइड सिलेक्टेड कर्व, ये आपको बता दिया किस तरह से ये सिलेक्टेड कर्व है, इसको आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं, और जैसे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्टेड कर्व यहाँ से हाइड हो जाएगा, यहाँ से शो हाइड कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं दूसरी जो प्रॉपर्टी है उनको भी किस फ्रेम ले आता हूँ, ये सबके की फ्रेम आ गए। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर आने के बाद में जेड एक्स इनके भी मैं यहाँ पर की फ्रेम बना लेता हूँ, इंसर्ट की फ्रेम। अब देखिए इतने सारे की फ्रेम है, अगर आपको ऐसे लगता है कि डिस्टर्बेंस हो रही है बाकी की फ्रेम के जो ग्राफ है उनकी डिस्टर्बेंस हो रही है, तो एक जैसे आपने सिलेक्ट किया उसके बाद में अगर आप शिफ्ट के साथ में एच दबा देंगे, इसको सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ में एच दबाया, सब हाइट, अल्ट के साथ में एच दबाया,
वापस सब के सब शो हो जाएंगे। इसके अलावा अगर किसी को सिलेक्टेड को हाइड करना चाहते हैं तो जो मैंने पहले बताए थे शॉर्टकट वैसे ही है, एच दबाइए वो हाइड हो जाएगा, अल के साथ में एच दबाइए वो शो हो जाएगा। इस तरह से आप शो हाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ काम की, वो है इम्पोर्टेंट। अभी तक तो मैंने सिंपल सिंपल बातें बताई थी, अब ये जो मेन्यू है इसके अंदर खूब सारे शानदार ऑप्शन है। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन जो मेन पार्ट है इसका, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो यहाँ पर रह गया है। तो इसका पार्ट टू बना करके उस पार्ट के अंदर मैं कंटिन्यू आपको यहीं से बताऊंगा किस तरह से आप इन ऑप्शंस को यूज में ले सकते हैं। जो की मेन्यू है इसके अंदर जो भी ऑप्शंस हैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इन सब ऑप्शंस के बारे में हम इसी वीडियो के पार्ट टू के अंदर बात करेंगे। दो पार्ट के अंदर हम इस एनिमेशन के बारे में कंप्लीट मैं आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं एक बार फिर से पार्ट टू के अंदर।